इजी रेसिपीज। आज हम बनाना चॉकलेट टी केक बनाएंगे। सबसे पहले हम आधा ग्लास दूध में एक चम्मच विनेगर डाल देंगे। दूध को हम हल्का सा गुनगुना लेंगे और इसे इसी तरह से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब हम 3 बनाना लेंगे। ये बनाना पूरी तरह से पके हुए होने चाहिए। कटे हुए बनाना में हम आधा कप शुगर डाल देंगे, 1/3 कप तेल डाल देंगे और अब इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद हम इसे एक बाउल में डाल लेंगे। अब हम इसमें 1 कप और 1/4 कप यानी कि 1/4 कप आटा डाल लेंगे, 1 बड़ा चम्मच कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। इन सब चीज़ों को एक साथ छान लेंगे। इन सब चीज़ों को हम स्लो स्लो मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें जिस दूध में हमने विनेगर डाला था उस दूध को इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स कर लेंगे। अब हम वाइट चॉकलेट और चॉकलेट चिप्स को इसमें डालकर थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। अब हम बैटर को ये देखिए बेकिंग पेपर लगे हुए टिन में डाल देंगे। थोड़े से चॉको चिप्स को हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। अब हम इसे 10 मिनट प्री हीटेड कढ़ाई में 30 से 40 मिनट के लिए बेक करेंगे। अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो उसमें भी 10 मिनट प्री हीटेड के बाद इसे 30 से 40 मिनट के लिए 180 डिग्री पर बेक करेंगे। ये देखिए कढ़ाई में रखने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक तेज़ फ्लेम पर बेक करेंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे, केक को बहुत अच्छे से कवर कर देंगे। लगभग 40 मिनट के बाद हम केक को चेक कर लेंगे। ये देखिए केक बहुत अच्छे से बेक हो गया है। मैं आपको ये चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए टूथपिक एकदम क्लीन है। तो अब हम इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देते हैं। केक पूरी तरह से ठंडा हो गया है तो अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए केक बहुत अच्छे से बेक हुआ है तो हम ग्रेट स्लाइसेस जैसा कट कर लेंगे। ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी बना है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ईजीली कट रहा है। देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार बनाना टी केक बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्पंजी और फ्लफी बना है। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये हमारा केक कितना, ये देखिए कितना ज़्यादा स्पंजी बना है और बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट है। तो आप इस केक को इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।